पूरे भारतवर्ष में स्वच्छता अभियान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, नगरीय निकायों में जो कचरा निकलता है उसका निपटान वैज्ञानिक तरीके से हो, कटनी नगर निगम ने रैमकिन वायरों के साथ कंपनी बनाई है। कटनी MSW प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट लगाया गया है। घर घर से जो कचरा निकलता है उसका वेस्ट टू वेल्थ के कंसेप्ट के अंतर्गत कचरे से खाद बनाने का काम नगर निगम कर रहा है। 23 जून 2018 को इस प्लांट का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और प्लांट सफलतापूर्वक पूरे मध्य प्रदेश में काम कर रहा है। यह ऐसा क्लस्टर वेस्ट प्लांट है जिससे घरों से कचरा एकत्रित करके खाद बनाई जाती है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, नगरीय निकायों में जो कचरा निकलता है उसका निपटान वैज्ञानिक तरीके से हो, इसका मूल मंत्र हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और पूरे भारतवर्ष में स्वच्छ भारत मिशन उन्होंने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए चलाया और पूरे देश में स्वच्छता को एक आदत बनाया, उस दिशा में कटनी नगर निगम ने बहुत आगे बढ़ करके काम किया है। कटनी में 2015 से घर घर से कचरे संग्रहण का काम प्रारंभ हो चुका है, जिसमें PPP मोड में रैमकिन वायरों के साथ में कटनी नगर निगम ने कंपनी बनाई और उसके माध्यम से घर घर से जो कचरा निकल रहा है उसका वेस्ट टू वेल्थ के कंसेप्ट के अंतर्गत कचरे से खाद बनाने का काम कटनी नगर निगम कर रहा है। इसके प्लांट का उद्घाटन 23 जून 2018 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और यह प्लांट सफलतापूर्वक पूरे मध्य प्रदेश में काम कर रहा है। यह ऐसा क्लस्टर बेस्ड प्लांट है जो पूरी तरह से सफलता से काम कर रहा है। यहाँ पर घर से प्रतिदिन जो कचरा निकलता है उससे खाद बनती है, साथ ही साथ यहाँ पर कटनी में एक और विशेषता है कि जो मृत पशु होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए भी यहाँ पर प्लांट स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से मृत पशुओं का वैज्ञानिक तरीके से उनका जो शव है उसका निपटान किया जाता है ताकि किसी प्रकार के लिए पर्यावरण की हानि ना हो। ये अपने आप में एक अद्भुत काम है। कटनी नगर निगम MSW और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत मध्य प्रदेश में सबसे अग्रणी काम करने वाला नगर निगम है और यहाँ पर जो सिस्टम बना हुआ है पूरा एक एक गाड़ी का, 45 वार्डों में गाड़ियाँ जाती हैं, कचरा इकट्ठा करती हैं, कौन सी गाड़ी कितने बजे किस वार्ड में पहुँची, कचरा कहाँ से इकट्ठा हुआ, कहाँ पर गाड़ी में कोई ब्रेकडाउन है, ये सारी चीज़ GPS के द्वारा मॉनिटर की जाती है और पूरा सिस्टम इसको देख रहा है और शहर में लोग सहयोग कर रहे हैं। हमारा मिशन कटनी नंबर 1 सफल हो इसके लिए हम सब निरंतर काम करते रहेंगे। ये कटनी नगर निगम की एक बहुत उपलब्धि है जो मध्य प्रदेश में और कोई नगर निगम प्राप्त नहीं कर सका और कटनी में 35 करोड़ की लागत से जिसमें गाड़ियां और प्लांट वो सारी चीज़ मिला करके सफलतापूर्वक चल रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो सहयोग दिया है और नगर निगम के शेयर के माध्यम से ये कंपनी सफलतापूर्वक काम कर रही है और 20 वर्षों का इसका जो एग्रीमेंट है उस आधार पर कटनी में यह काम निरंतर चलने वाला है।